हरियाणा में कुश्ती के अखाड़े में राहुल गांधी, बहादुरगढ़ में की बजरंग पुनिया से मुलाकात। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, चुनावी वादा पूरा करते हुए चालानों को 90% तक किया माफ। पीएम मोदी आज करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात, कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक भी होंगे शामिल। राजस्थान में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों के हवाले से खबर। 25 MLA ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। दिल्ली में घिरी आम आदमी पार्टी की सरकार, दवा मामले में बीजेपी का प्रदर्शन, सौरभ भारद्वाज की बर्खास्तगी की मांग। मोहन यादव सरकार अपना लेगी पहला कर्ज, 27 दिसंबर को खाते में आ जाएगी 2000 करोड़ की राशि। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आज रायगढ़ में करेंगे रोड शो, अग्रोहा धाम लोकार्पण समारोह में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान, क्या राम मंदिर है असली मुद्दा, महंगाई रोजगार के बारे में होनी चाहिए बात। महादेव ऐप घोटाले में सौरभ चंद्राकर पर यूएई ने कसा शिकंजा, गिरफ्तार करके भारत ला सकती है एजेंसी। असम में सुबह सुबह लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। लाइव लोकेशन शेयर न करने से मॉल में न जाने तक इसराइल ने जारी की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी। ऑस्ट्रेलिया में तूफान का कहर, 6 लोगों की मौत, हजारों घरों की बिजली गुल। दक्षिण अफ्रीका में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 6 लोगों की मौत, कई लापता। हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में दागे कई ड्रोन और मिसाइल, अमेरिका ने हमले को किया नाकाम। अमेरिका ने चीन को दी बड़ी राहत, चीनी प्रोडक्ट पर बढ़ाई टैरिफ छूट। शेयर बाजार हरे निशान पर खुला, सेंसेक्स 250 अंक चढ़ा, निफ्टी 21,500 के पार। लो विजिबिलिटी ने रोक दी ट्रेनों की रफ्तार, कई फ्लाइट्स भी डायवर्ट। घने कोहरे के चादर में गुम हुआ एक्सप्रेसवे, 10 मीटर में सिमटी विजिबिलिटी, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। अडानी ग्रीन एनर्जी में 9,350 करोड़ रुपए निवेश करेगा अडानी समूह, कंपनी के शेयर में आया जबरदस्त उछाल। अक्टूबर में 21 महीने के उच्चतर पर FDI, RBI ने जारी किया आंकड़े।